जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका प्रोविडेंट स्टडी में। आज देखते हैं जो आज के टॉप हेडलाइंस होगी, जो एसपी के जो गवर्नमेंट एग्ज़ाम होता है उससे रिलेटेड। तो विदाउट वेस्टिंग योर टाइम स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट है नेक आयु, जिनको अभी ऑनर किया गया है टेररिस्ट किलिंग के लिए, और जिनको अवार्ड दिया गया है 1,01,111 रुपये। और ये बिलोंग करते हैं खिल्ला विलेज, एक चंबा में, वहाँ से बिलोंग करते हैं। सेकेंड है जो एचपी ने अभी जो गोल फिक्स किए हैं कि हम 2022 तक अचीव कर लेंगे, जो एसटीजी के जैसे 17 गोल है उसमें से कुछ गोल है जो एचपी गवर्नमेंट ने बोला है कि हम 2022 तक अचीव कर लेंगे। जैसे हमारे को पता है कि एसडीजी के अंडर 17 गोल है और उसके 169 टारगेट है, तो उनमें कुछ इंडिकेटर हैं। उन इंडिकेटर में से 138 इंडिकेटर एचपी गवर्नमेंट ने शॉर्टलिस्ट किए हैं। उसमें बोला है कि जो 12 इंडिकेटर वो हम पहले ही अचीव कर चुके हैं, 38 हम 2022 तक अचीव कर देंगे, और जो 83 रिमेनिंग रहते हैं उनको 2030 तक हम कंप्लीट कर देंगे। इनको भी जैसे एसडीजी के अंडर इन्होंने जो सबसे पहले बोला है कि जो प्रॉवर्टी है, नो प्रॉवर्टी, एक इसको रिमूव करेंगे। इसमें बोला है जो प्रॉवर्टी अभी स्टेट में 8.1% से, इसको बढ़ा के 2% कर देंगे, इसको 8.1 से नीचे ला के 2 कर देंगे। और जो हेल्थ इंश्योरेंस में वो कवर करेंगे 100% को, हाउस होल्ड को, और जो ड्रिंकिंग वाटर फैसिलिटी है वो भी रूरल एरिया में 100% प्रोवाइड की जाएगी, और जो सीवरेज फैसिलिटीज होगी उसको 90% किया जाएगा। और फूड फॉर ऑल या फिर जीरो हंगर जो एक गोल है एसडीजी का, उसके तहत जो फूड ग्रेन और वेजिटेबल है उसको 2.4 मिलियन टन से 15 मिलियन टन पर हेक्टेयर उसको बड़ा कर देंगे, मिलियन टन सॉरी। और जो ऑर्गेनिक फार्मिंग है उसके अंडर लाएंगे 22,000 हेक्टेयर के जो टोटल लैंड है। और जो मंडीज है उसको बोले कि टोटल हम ऑनलाइन कर देंगे, ई मार्केट के थ्रू कनेक्ट किया जाएगा, और जो सॉयल हेल्थ कार्ड है वो सारे फार्मर को प्रोवाइड किए जाएंगे। और जो एजुकेशन में 100% इनरोलमेंट प्राइमरी एंड अपर प्राइमरी के लिए, और जो कंप्यूटर की जो एजुकेशन सिस्टम है उसको भी प्राइमरी लेवल पर, अपर प्राइमरी और सेकेंडरी में उसको भी बढ़ावा दिया जाएगा। और जो वोकेशनल इंस्टीट्यूशन है वहाँ पे फीमेल और मेल का जो रेशियो है 40% से उसको बढ़ा के 100% किया जाएगा। और जो ग्रॉस इनरोलमेंट रेशियो है उसको 30% किया जाएगा टर्शनरी लेवल पे, मतलब जो आफ्टर +2 होता है। और जो रेवेन्यू है टैक्स और नॉन टैक्स से उसको 21.1% से 25% किया जाएगा। लास्ट न्यूज जो आज की वो है हाटी समिति। हाटी समिति जो एक शेड्यूल ड्राइव है, मतलब ये स्टेटस मांग रही है, और ये मांग रही है सिंस 1995 से। तो जो ये हाटी समिति है इन्होंने थ्री टाइम अभी तक अप्लाई कर लिया है कि हमारे को ये जो स्टेटस दिया जाए शेड्यूल ट्राइब का, लेकिन जो वहाँ से सेंटर से ये पास ही नहीं हो पा रहा है। मतलब जो यहाँ से रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया है, जो ऑफिस है वहाँ से जो इसके ऊपर जो प्रेसिडेंट अपनी सेंक्शन देगा, लेकिन वहीं से ये पास नहीं हो पा रहा है। तो हमने याद रखना है यहाँ पे जो ये हाटी समिति है ये कहाँ से है, ये है सिरमौर से, और सिरमौर के ट्रांसगिरी एरिया से। और जो ये स्टेटस दिया जाता है कौन सी शेड्यूल ट्राइब में आएगा या कौन सा नहीं आएगा, तो वो दिया जाता है आर्टिकल 342 का सबसेट 2 में। तो थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को प्लीज़ शेयर ज़रूर करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।